मिसकैरेज के क्या सिम्टम्स होते हैं, मिसकैरेज क्या होता है, मिसकैरेज जिसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी कहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, कैसे आपको ये पता पड़ता है कि मिसकैरेज हो गया है या होने वाला है, मिसकैरेज किन कारणों से होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको मैं यही डिटेल में बताने वाली हूँ कि एक्चुअली मिसकैरेज में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। मिसकैरेज जैसे कि मैं बता रही हूँ कि डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का अपने आप लॉस हो जाना, अबॉर्ट हो जाना। जब ये 20 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी अबॉर्ट होती है तो हम उसे मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज शुरू के 3 महीने में भी हो सकता है, 3 से 5 महीने के बीच में भी हो सकता है। मिसकैरेज एक कॉमन प्रोसेस है, मिसकैरेज कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है। लगभग 15 से 20% प्रेगनेंसीज मिसकैरेज में लैंड करती हैं, यानी कि अपने आप अबॉर्ट हो जाती हैं, स्वतः ही डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। मिसकैरेज का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 2 महीना चढ़ा होना चाहिए या 3 महीना चढ़ा होना चाहिए। 1-2 दिन भी ऊपर चढ़ के अगर डिसकंटिन्यूशन होता है, यानी कि प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू होती है, तो हम उसे मिसकैरेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें पता कैसे पड़ता है कि मिसकैरेज हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पता करना है कि मिसकैरेज हो गया, तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंफर्म होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए पहले कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो यानी कि या तो आपका पीरियड मिस हो गया है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, वह पॉजिटिव आया है, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। लेकिन उसके बाद कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि मिसकैरेज हो सकता है, हो रहा है या होने वाला है। तो मिसकैरेज के जो सिम्टम्स होते हैं वो जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी मिसकैरेज इस स्टेज में होता है कि हम उसे रोक सकते हैं, तो इसलिए ये सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है, हो चुका होता है और हमें पता ही नहीं पड़ता और चीज़ अंदर पड़ी रहती है, तो इसलिए भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हो गया है तो। तो देखिए, मिसकैरेज के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे कॉमनेस्ट में आता है स्पॉटिंग होना, यानी कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग शुरू हो जाना। स्पॉटिंग यानी फ्रैंक ब्लीडिंग नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पिंकिश ब्राउन कलर का आपको डिस्चार्ज जैसा दिखना, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होना, कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का मिसकैरेज है, जो कि मैं अभी आपको आने वीडियो के अंदर आगे बताऊंगी कि मिसकैरेज की अलग अलग वेराइटीज़ क्या होती हैं। पेट के अंदर ज़्यादा दर्द होना, कमर के अंदर बहुत तेज़ दर्द होना, क्रैम्प्स होना बहुत ज़्यादा, जो कुछ आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पहले आपको फ़ील हो रहे थे वो एकदम गायब हो जाना, यानी कि ब्लीडिंग व्लीडिंग तो कुछ नहीं चालू हुई, लेकिन पहले आपको लग रहा था कि उल्टी आ रही है, सारे दिन भर थकान लगती है, जी घबराता रहता है, पर ऑल ऑफ अ सडन ये सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, तो वह भी एक मिसकैरेज का साइन हो सकता है। वजाइना में से किसी प्रकार का टिश्यू बाहर निकलना, पिंकिश ब्राउनिश कलर का टिश्यू पूरा बाहर निकलना, वह भी मिसकैरेज का एक सिम्टम हो सकता है। कभी कभी आपको पता ही नहीं पड़ता है, आप डॉक्टर के पास दिखाने जाती हैं, डॉक्टर सोनोग्राफी करके देखते हैं और उसमें पता चलता है कि बच्चे की धड़कन ही नहीं है, जो कि इस टाइम तक आ जानी चाहिए थी या पहले आ गई थी और अब चली गई है। तो बच्चे की धड़कन का चले जाना, बच्चे में ग्रोथ नहीं होना, ये सभी मिसकैरेज के सिम्टम्स हो सकते हैं। सिवियर वीकनेस की फीलिंग आना भी कभी कभी मिसकैरेज का सिम्टम हो सकता है। वैसे प्रेगनेंसी के अंदर भी वीकनेस होती है, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम डिग्री की हो गई, पहले नहीं थी और ऑल ऑफ अ सडन डेवलप हो रही है, तो वह भी मिसकैरेज का एक सिम्टम हो सकता है। ये जो मिसकैरेज है ये कई वेराइटी का होता है, इनएविटेबल मिसकैरेज, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कम्प्लीट अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, और इनकी वेराइटीज़ के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग वेराइटी का जो अबॉर्शन होता है उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है उस टाइम पे। सबसे पहले हम आते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर। थ्रेटन्ड अबॉर्शन में क्या होता है, अबॉर्शन थ्रेटन्ड अबॉर्शन में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग चालू हो जाती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही होती है, लेकिन बच्चेदानी का मुँह खुला नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे अबॉर्शन को रोक सकते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट, हार्मोनल सपोर्ट देके, बेड रेस्ट देके हम ऐसे अबॉर्शन को रोक सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन, यानी कि अबॉर्शन हो सकता है पर ऐसा नहीं कि अबॉर्शन हो गया है। बच्चा अभी भी बच्चेदानी के अंदर है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो ऐसे कंडीशंस में जब हम बेड रेस्ट देते हैं, जब हार्मोनल सपोर्ट देते हैं, तो बहुत सी बार प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। अगला आता है इनएविटेबल अबॉर्शन, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और बच्चेदानी का मुंह भी खुल चुका है, तो हम इस अबॉर्शन को रोक नहीं पाते हैं और इसे हम कहते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन।
अगला है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो गई, बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया, कुछ पार्ट बच्चेदानी में से निकल गया, फिर ब्लीडिंग रुक गई लेकिन कुछ पार्ट अंदर ही रह गया, बच्चेदानी का मुंह भी बंद हो गया, मुंह खुला है तो कुछ पार्ट बाहर निकल गया है, कुछ पार्ट अंदर रह गया, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन को कम्प्लीट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ पार्ट अंदर रह जाएगा तो हो सकता है आपकी ब्लीडिंग चालू रहे, ऑन एंड ऑफ आप ब्लीड करती रहें, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इसलिए इनकम्प्लीट अबॉर्शन को कम्प्लीट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इनकम्प्लीट अबॉर्शन में बच्चा देखिए सर्वाइव तो करेगा नहीं, आगे ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ पार्ट तो उसका निकल गया है, तो उसको पूरा डिसकंटिन्यू करना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वैरायटी होती है कम्प्लीट अबॉर्शन, यानी कि ब्लीडिंग शुरू हुई, बच्चेदानी का मुंह खुला और पूरी की पूरी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो गई, अंदर कुछ नहीं बचा। ऐसे केसेस में हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी जो प्रेगनेंसी है, जो फीटस है, वो पूरा का पूरा बाहर निकल चुका होता है। नेक्स्ट होता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन यानी कि ना ब्लीडिंग हुई या फिर हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग हुई, पेशेंट ने उसको ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा कुछ और प्रॉब्लम नहीं आई, कोई पेट में दर्द वर्द भी नहीं हुआ, फिर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास सोनोग्राफी कराने के लिए। सोनोग्राफी में पाया जाता है कि बच्चे की तो धड़कन ही नहीं है, यानी कि अबॉर्शन हो चुका है लेकिन वह मिस हो गया है, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि अबॉर्शन हो गया है, इसे कहते हैं हम मिस्ड अबॉर्शन। ऐसे अबॉर्शन के केसेस को भी हमें डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम जो डेड फीटस है अगर हम उसे अंदर ही पड़े रहने देंगे तो इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस होगा। अगर इसमें अर्ली ड्यूरेशन का यानी कि 7 हफ्ते से कम का है तो हम उसे गोलियां देके डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 7 हफ्ते से अगर अधिक की प्रेगनेंसी है तो यूजुअली हमें बच्चेदानी की क्लीनिंग करनी पड़ती है, डीएनसी करना पड़ता है या सक्शन इवैक्यूएशन करना पड़ता है। तो ये हुए मिसकैरेजेस के टाइप्स। अब आते हैं मिसकैरेज होता क्यों है। एक और मिसकैरेज की वैरायटी होता है जिसे हम कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेज, रिकरेंट अबॉर्शन। जब एक बार लाइन से ही मिस, 3 से अधिक बार जब अबॉर्शन हो जाता है तो उसे हम रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं। यह 1% से भी कम महिलाओं में पाया जाता है। अब हम आते हैं कि अबॉर्शन होता क्यों है, मिसकैरेज क्यों होता है। देखिए मिसकैरेज होने के जो सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है वह होता है जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोमल एरर। बेसिकली जब एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा होता है, देखिए जब छोटा सा फीटस होता है तो उस स्टेज पे बहुत फास्ट सेलुलर डिवीजन चल रहा होता है। ऐसे केसेस में एक भी क्रोमोसोम इधर से उधर हुआ तो वो एक मेजर कंजेनाइटल एनोमली की तरह होता है, और नेचर ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, नेचर अपने आप ही ऐसी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर देती है। कभी कभी जब ऐसी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू नहीं होती और ऐसे बच्चों का जन्म हो जाता है तो आपने जैसे कि सुना होगा डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम शायद आप लोगों ने सुना हो, जिसे कि हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए हर इंसान के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक भी क्रोमोसोम इधर या उधर हुआ तो मेजर एनोमली हो जाती है। 21st नंबर का क्रोमोसोम का जब ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 2 की जगह वो 3 हो जाते हैं, तो हो जाता है डाउन सिंड्रोम। ऐसे केसेस में भी अबॉर्शन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। कभी कभी एक क्रोमोसोम एक कम हो जाता है, जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जैसे कि एक्स वाला क्रोमोसोम एक कम है फीमेल फीटस है और एक्स क्रोमोसोम एक कम है तो वो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। तो बेसिकली मोटा मोटा आप इतना समझिए कि क्रोमोसोम एक भी इधर या उधर हुआ तो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो गई और ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है डिसकंटिन्यू, और यह सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है मिसकैरेज होने का। आई अलग जो और इसके अलावा जो कारण होते हैं वह होता है कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट होना, प्रोलैक्टिन का वैल्यू आपके बॉडी के अंदर अधिक होना, थायराइड प्रॉब्लम होना, इस प्रकार के कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसके अंदर कारण मिसकैरेजेस हो जाते हैं। कभी कभी किसी प्रकार के इन्फेक्शंस, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि रूबेला है, साइटोमेगलोवायरस का इन्फेक्शन है, ये अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो भी मिसकैरेज हो सकता है। कभी कभी क्लेमाइडिया का, निजीरिया का, ये इन्फेक्शंस भी मिसकैरेजेस दे सकते हैं। बच्चेदानी में पड़ी हुई गिठान, बच्चेदानी में पड़ा हुआ सेप्टम भी अबॉर्शन का कारण हो सकते हैं। ऑल्दो ये इतने कॉमन नहीं होते, लेकिन हाँ इसके कारण भी अबॉर्शंस हो सकते हैं। कभी कभी महिला के ब्लड में खून का थक्का जमने की प्रॉब्लम होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, एप्ला की प्रॉब्लम होती है, ल्यूपस की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण भी मिसकैरेज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के पास जितना पहुंचना चाहिए ब्लड वह नहीं पहुंच पाता है और उसके कारण भी अबॉर्शंस हो जाते हैं। कभी कभी हाई ग्रेड फीवर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। कभी कभी आप अनजाने में ऐसी दवाइयाँ ले लेती हैं प्रेगनेंसी के अंदर जो मिसकैरेज में लीड करती हैं, जैसे कि गठिया हवा में चलने वाली कॉमन दवाई है एक मीथोट्रेक्सेट, जैसे कि रेटिनॉइड्स हैं जो कि पिंपल्स वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं।
एनसीआईड्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, पेन किलर्स, हम लोग पेन किलर्स को भी इसलिए स्पेसिफिकली इम्प्लांटेशन के बाद लेने के लिए मना करते हैं क्योंकि वह भी आपके अबॉर्शन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो ये सभी कारण होते हैं जिससे कि मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। तो ये तो थे कारण और सिम्टम्स मिसकैरेज होने के। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम मिसकैरेज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपका हार्ट लग रहा और मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद क्या क्या ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, इस पर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।